टीचर के हर एक क्वेश्चन का सही आंसर देने के बाद भी जब क्लास टॉपर रोहित को बाकी सभी स्टूडेंट्स बोरिंग, वाहियात और पनौती कह रहे थे, तुम तो इतनी अच्छी पढ़ाई करते हो फिर भी तुम्हारा एक भी दोस्त नहीं है, गीता ने रोहित से पूछा। अगर सच में जवाब चाहिए तो कल सुबह 6 बजे शिवा ट्रैक पे मिलना, और अगले दिन गीता के वहाँ पहुँचने पर 10 डिग्री टेम्परेचर और 25,000 स्टेप वाला हम ये शिवा माउंटेन चढ़ेंगे। तुम पागल हो क्या, यहाँ आसपास कितने सारे कैफेज है, आराम से चिल करते हैं ना, आना है तो आओ वरना मैं अकेला जाता हूँ। और गीता ने जब रोहित को फॉलो किया 15 मिनट बाद गीता थकने लगी। 10,000 स्टेप के बाद रोहित के पैरों में भी दर्द शुरू हो गया और ठंड से शरीर भी कांपने लगा। मैं और नहीं चढ़ पाऊंगी, मुझ पे विश्वास करो, रोहित ने बोला और उसे अपना हाथ दिया। और जैसे तैसे जब दोनों पहाड़ के शिखर तक पहुँचे, इतनी ज्यादा खूबसूरती, गीता ऊपर से नजारा देख कर रोने लगी। नीचे उन कैफेज में बैठे कोई भी लोग हमसे कभी भी दोस्ती नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरह वो ये नजारा भी कभी नहीं देख पाएंगे। अगर जिंदगी में बेस्ट चीज चाहिए तो अकेला रहना जरूरी है।